आमंत्रित करता हूँ अपनी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की मोबाइल बहन अंद्रिया पटेल जी को आए और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और मार्गदर्शन करें। अक्टूबर की ये तारीख भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ऐतिहासिक तारीख ने भारत की धरती पर दो महान विभूतियों को जन्म दिया। मैं सबसे पहले इस पूरी सभा की ओर से हम सभी अपना दल कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से सभी उपस्थित हमारे अतिथियों की ओर से भारत की स्वाधीनता के महानायक परम पूज्य बापू को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल देश की आजादी देश की स्वाधीनता के नायक ही नहीं थे, अपितु उन्होंने सत्य और अहिंसा के सच्चे पुजारी के रूप में भी पूरी दुनिया में अपना एक स्थान बनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले केवल इस देश के 142 करोड़ भारतीय ही नहीं है, अपितु इस दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में रहने वाले नागरिक बापू के विचारों को प्रणाम करते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। जिसने भी देश के बाहर भ्रमण किया है उसने यह अनुभव अवश्य प्राप्त किया होगा कि दुनिया के तमाम देशों में यदि भारत की स्वाधीनता के किसी नायक की प्रतिमा वहां के जनमानस और वहां की सरकारों ने स्थापित की है तो वो हमारे राष्ट्रपिता परम पूज्य बापू हैं। और ये सदा सदा के लिए हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आज सुबह गांधी जयंती के अवसर पर कई लोगों ने अखबारों में बापू के जीवन उनके सिद्धांतों उनके आदर्शों पर अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया। मैंने सुबह सुबह माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का एक लेख पढ़ा जो उन्होंने पूज्य बापू के जीवन पर लिखा था और उसमें उन्होंने एक वाक्य का जिक्र किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके सहयोगी काका कालिंदर जी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने लिखा कि कैसे कालिंदर जी एक बार उन्हें चार पत्तियों की आवश्यकता थी तो केवल पत्तियां ना तोड़कर वो एक टहनी तोड़कर ले आए और जब बापू ने इस दृश्य को देखा तो उनके मन को बड़ा आघात पहुंचा, उनके मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई और उन्होंने उनसे कहा कि आप पूरी की पूरी टहनी तोड़कर क्यों लाए, आपकी आवश्यकता तो केवल पत्तियों की थी, यही पेड़ पौधों के प्रति क्रूरता है। यदि आप पत्तियां भी तोड़े
तो पूर्ण से पहले क्षमा मांगे। तो अहिंसा का भाव बापू के मन में किस प्रकार विराजमान था, ये वाक्या उसकी एक झलक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने केवल देश की आजादी का स्वप्न नहीं देखा था, अपितु उन्होंने भारत स्वच्छ बने यह स्वप्न भी देखा। देश की आजादी का स्वप्न तो उन्होंने पूरा होते हुए देखा, किंतु भारत एक स्वच्छ राष्ट्र बने इस सपने को साकार होते हुए नहीं देख पाए। और मुझे गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को स्वच्छ बनाने के बापू के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लिया। कल 1 अक्टूबर को 140 करोड़ भारतीयों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बापू को स्वच्छांजलि देने का काम किया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्वच्छता श्रमदान किया। मैं कल अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में रही और वहां पर मैंने भी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और नगरवासियों के साथ मिलकर 1 घंटे तक स्वच्छता श्रमदान देने का काम किया। पूज्य बापू के विचार आज भी प्रासंगिक है और उनको याद करें हम। इसके साथ यह भी जरूरी है कि सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता का जो पाठ वो हमें पढ़ा कर गए हैं उसे अपने जीवन में उतारने का भी हमें संकल्प लेना चाहिए और उस दिशा में काम भी करना चाहिए। मैं पुनः आज इस पूरी सभा की ओर से उन्हें एक बार फिर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का उद्घोष किया, जिन्होंने भारत में अनाज का संकट होने पर अन्न को लेकर आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया और इस राष्ट्र की प्रगति में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को भी मैं सब की ओर से आदरांजलि अर्पित करती हूं। हमें ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले नौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सामाजिक समानता के अग्रदूत, संविधान के शिल्पकार पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर जी एवं अपना दल के संस्थापक, हम सब के प्रेरणा पुंज, पिछड़े वंचित दलित कमजोर समाज के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले यशाकाली बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को भी आज के इस अवसर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों, पदाधिकारियों की ओर से श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाती हूं। हमारे मंच पर हमारे सभी पदाधिकारी, सूची लंबी है लेकिन हमारे सभी पदाधिकारी दूर दूर से आए हैं, तो मैं एक बार सबके नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि आप सभी पदाधिकारियों के विचारों को सुन सके।
सम्माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, सम्माननीय श्री जवाहरलाल पटेल जी, सम्माननीय श्री राम प्रगट पटेल जी, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री आरबी सिंह जी, श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री रमा शंकर पटेल जी, आप सभी हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार पाल जी और इस मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारी पार्टी की आवाज, हमारे पार्टी की अपना दल की पहचान, हमारे सभी सम्माननीय विधायक दल डॉक्टर सुनील पटेल जी रोहनिया वाराणसी से, डॉक्टर आर के पटेल जी मरियाहू जौनपुर से, डॉक्टर सुरभि हमारे कायमगंज फरुखाबाद से, सरोज कुरील जी घाटमपुर कानपुर से और हमारे सम्माननीय जय कुमार जैकी जी दिल की फतेहपुर से और हमारे जीतलाल पटेल जी विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ से। अभी आपने जीतलाल जी की बातों को भी सुना था, जीतलाल जी हमारे एक तरीके से फाउंडर मेंबर है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, आज पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित श्री करुणा शंकर पटेल जी, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री राजेश बुलबुल, श्री माता बदल तिवारी, श्री गजेश पटेल, श्री विनोद गंगवार, श्री सत्य प्रकाश पुरी, श्री राम नयन जी, श्री अजीत बैसला, श्री कृष्ण कुमार पटेल, हमारी बहन अर्चना पटेल, श्री ओपी कटियार, श्री पप्पू माली, श्री अर्जुन सिंह पटेल और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी हैं जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से यहाँ पर आए हुए हैं। और खास तौर से मैं नाम लेना चाहती हूँ हमारे इस जनपद के उन सभी साथियों का जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इतना शानदार स्वरूप दिया है। मैं अपने इन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहती हूँ जिनके नेतृत्व में ये काम किया है। जिला अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं श्री सत्येंद्र पटेल जी, हमारे भाई श्री मान सिंह पटेल जी, श्री कुलदीप सिंह, श्री शिव मोहन सिंह, श्री प्रमोद पटेल, श्री लक्ष्मी रावत, श्री बलवार लाल मौर्य, श्री एल सी कनौजिया, श्री धर्मपाल पटेल, श्री नजरुल इस्लाम, श्री अरुण कुमार, श्री पवन पटेल, श्री सुनील पटेल, श्री अमित चौधरी, श्री वीरेंद्र कनौजिया, श्री राम जी, श्री अब्दुल वहाब, श्री अरविंद जायसवाल, श्री रामपाल, श्री राजन पटेल, श्री अभय कृष्ण सोनकर, श्री संजय वर्मा, श्री साजन, श्री राम बहादुर यादव, श्री अंकुर चौधरी, श्री अजीत पटेल, श्री विजय मौर्य, श्री दिलीप पटेल, श्री हरि नारायण, श्री महेश राज। मैं समझती हूँ कि जितने नाम मैंने सूची में पढ़े उससे भी कहीं ज्यादा मेरे जनपद के पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथी हैं जिनके नाम मेरे पास इस सूची में नहीं है, लेकिन मैं अपने सभी जनपद के पार्टी के एक एक सदस्य को, एक एक कार्यकर्ता को और एक एक समर्थक और सूचिंतक को, पूरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी हमारी ताकत है, आप सब अपना दल की शक्ति है, आप सब इस संगठन की रीढ़ है, संगठन की बैकबोन है।
आज जो इतना सुंदर नजारा हम देख रहे हैं, और खास तौर से अभी हमारे संचालक जी ने कहा भी, और मैं भी ये बात गौर कर रही थी कि भारत सरकार 33% के आरक्षण की व्यवस्था संसद से कर रही है, यहाँ हमारी महिलाओं ने संदेश ग्रहण कर लिया, एक तिहाई जगह में वैसे ही महिलाओं का कब्जा है, मतलब यहाँ 3 ब्लॉक बने हुए हैं और एक ब्लॉक में बीचों बीच यानी केंद्र बिंदु है महिला है, बिल्कुल उनको पता है कि सेंटर की पोजीशन नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक में हमारी महिलाएं बैठी हुई है, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, मेरी सभी मातृशक्ति को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, इतनी माता और बहनों का आशीर्वाद हो तो निश्चित रूप से किसी पार्टी को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, और इतना करने तो इतना लंबा सफर तय किया है, ये ऐसी हमारी मातृशक्ति का आशीर्वाद है और उनकी कर्मठता है, नारी अपने आप में शक्ति का स्वरूप होती है और ये यही नहीं कहा जाता, सही मायने में हमारी माताएं बहने जिस संगठन में तेजी से अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर देती है उस संगठन को आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं उसके लिए तो मैं आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने आपको कुछ महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपे। सबसे पहले इसी महीने में आप जानते हैं हमारे प्रेरणा पुत्र अपना दल के संस्थापक यशवराई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस है, और हम सभी उस दिन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर उनका स्मरण करते हैं, और जो संकल्प उन्होंने हमें दिया उनकी उस राजनीतिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाने का हम संकल्प दोहराते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो 17 अक्टूबर के कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में जनपद रायबरेली की भी सहभागिता हो, इसके लिए मैं आप सबको इस मंच से अपील करती हूँ। और उसके बाद 4 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है, ये कार्यक्रम भी बृहद रूप में मनाया जाएगा, इसके लिए भी मैं अभी से हमारे रायबरेली जनपद के साथियों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आपकी जो भी व्यस्तताएं हो उन सबको आप इस तरीके से अपना शेड्यूल बना लीजिए कि 4 नवंबर को आप पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से आप खाली हो, आपके पास अन्य कोई व्यस्तता ना हो, और बड़ी से बड़ी संख्या में उसमें प्रतिभाग करें। कार्यक्रम कहाँ दिया किया जाएगा ये आपको समय पर कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन 4 नवंबर और 17 अक्टूबर आपको खाली रहना है, कोई व्यस्तता नहीं होनी चाहिए, इसका आप लोग ध्यान रखें। हमारी पार्टी अपना दल एक बहुत लंबा संघर्षों का दौर रहा, 4 नवंबर 1995 में पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद निरंतर संघर्षों का सफर चलता रहा, पार्टी ने बहुत सारी असफलताएं भी देखी, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, बहुत सारे पुराने साथी जो दौर में साथ चले थे बीच में उनका साथ भी छोड़ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो उस दौर में साथ चले थे आज तक हमारे साथ हैं, निरंतर अभी भी गलती उम्र के साथ भी अपनी ऊर्जा पार्टी को देने का काम कर रहे हैं, और विचारों के प्रति सिद्धांतों के प्रति जो अपना दल की कर्तव्य निष्ठता है, जो अपना दल की प्रतिबद्धता है, ये उसी का परिणाम है कि आज अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है। आज अपना दल उत्तर प्रदेश के सदन में भी मौजूद है और देश के सदन में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, यह आप सब लोगों के कारण हुआ है, और लोकतंत्र में आपका संख्या बल ही आपकी ताकत है, और मुझे गर्व होता है आप लोगों को देखकर, मैं चाहती हूँ कि निरंतर ये संख्या बल बढ़ता रहे, हमारी पार्टी का और विस्तार होता रहे, आप सब
आज उत्तर प्रदेश के सदन में हमारे 13 सदस्य मौजूद हैं और देश की लोकसभा में हमारी पार्टी के 2 सदस्य मौजूद हैं। और मैं आप सभी साथियों से आज यही कहने आई हूं कि लोकतंत्र में संख्या बल ही आपकी असली ताकत है। अपने पार्टी की विचारधारा, अपने पार्टी का एजेंडा यदि लागू करवाना है तो हमें चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी यानी आपके विधायक सांसद, इनकी संख्या तभी बढ़ेगी जब आप एक एक बूथ पर मजबूत होंगे। हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मुझे कुछ नहीं, अपना बूथ जीतने का काम करना है। तो जो हमारा संकल्प है कि आने वाले हर चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक हमारे प्रतिनिधियों की संख्या बढ़े, ये संकल्प पूरा होगा। और इसलिए एक एक बूथ पर हमें नजर दौड़ानी है कि आखिर कमजोरी कहां, आखिर किस बूथ पर हम कमजोर हैं, किस बूथ पर हम मजबूत हैं, किस बूथ पर हम शून्य हैं। ऐसे भी बूथ हैं। और यदि हम किसी बूथ पर शून्य हैं तो उसका कारण क्या है? यदि किसी बूथ पर हम कमजोर हैं तो उसका कारण क्या है? और जो बूथ मजबूत है वो मजबूत बना रहे उनके लिए क्या करने की जरूरत है? तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि हमें नीचे से शुरुआत करनी। संगठन की सबसे प्राथमिक इकाई बूथ ही होता है और बूथ पर हमें जनता का साथी बनने की जरूरत है। आप में से हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर सबसे पहले नजर दौड़ाकर ये देखे कि आपके अलावा आपके बूथ पर अपना दल के चाहने वाले, अपना दल से जो प्रभावित है, ऐसे और कितने लोग मौजूद हैं और आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपने बूथ की हर चट्टी चौराहे पर बैठकर अपने पार्टी के कार्यों की, अपने पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चाओं को निरंतर बढ़ाना है ताकि आपके बूथ पर और भी बड़ी संख्या में लोग आपकी पार्टी के सदस्य बनने की प्रक्रिया में शामिल हो। तो हम सभी को जो न्यूनतम काम हम कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, वो यही कि हमें अपने बूथ पर अपनी पार्टी के प्रति योगदान देना। हमारा कर्तव्य है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी देश की संसद और राज्य की विधानसभा में और भी मजबूत स्थिति में पहुंचे तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने बूथ को मजबूत करने का संकल्प लें। और इसलिए हम सबको बूथ पर जनता का साथी बनकर दिखाना होगा। ये हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के लिए मैं कह रही हूँ और जो हमारे बूथ पर पार्टी के समर्थक हैं उनके लिए ये दायित्व है कि हर चट्टी चौराहे पर उनको पार्टी के समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए, पार्टी के चर्चा को बढ़ाने के लिए अपना समय देना है, अपनी ऊर्जा देनी है। और जब हम सब मिलकर अपने अपने बूथ को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे संगठन के तीर काटे हैं वो स्वतः दुरुस्त होते चले जाएंगे और धीरे 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 हर संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी का प्रदर्शन और भी समय के साथ बेहतर होता जाएगा। तो आज के दिन में सबसे पहले आप लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारा जो समर्थन है आम जनता के बीच में, हमारी पार्टी का जो समर्थन है उसे हमें यदि वोट में तब्दील करना है तो हमें अपने बूथ के संगठन को मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर हमारी पार्टी को चाहने वाला, हमारी पार्टी का समर्थक होकर भी अगर चुनाव के दिन वो वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है तो ये हमारी सबसे बड़ी विफलता है। और इसलिए
हमारी पार्टी को आपकी पार्टी को लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये बात अपनी जगह है, लेकिन उस चाहत को, उस समर्थन को वोट की शक्ल देना, इसके लिए हमें आम जनता और पोलिंग बूथ के बीच में हमें एक सेतु का कार्य करना है। हमें अपने समर्थकों की संख्या भी बढ़ानी है, हमें अपनी बूथ की कमेटी में नए साथियों को भी जोड़ना है, और हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारा जन समर्थन वोट में तब्दील हो। तो तीनों काम हम लोगों को, सभी साथियों को करके दिखाएं। समान साथियों, आप सब निरंतर अपना दल के संघर्ष को देख रहे हैं। अपना दल ने अपने गठन के समय से निरंतर जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, जो पिछड़ा दल एक वंचित है, जो न्यायपालिका में अपनी भागीदारी से वंचित है, जो हमारे राज्य, हमारे लेजिस्लेचर्स में, हमारे जो राज्यों के सदन है, हमारे देश के सदन है, उसमें अपनी भागीदारी से वंचित है, हमारी विधायिका में वंचित है, और जो कार्यपालिका में अपनी भागीदारी से वंचित है, उसके प्रतिनिधित्व में भागीदारी की बात अपना दल ने अपने गठन के समय से करने का काम किया है। यही लोकतंत्र के सभी स्तंभों में हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका, और यहाँ तक कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है मीडिया, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जो हमारे देश का वंचित तबका है, जो पिछड़ा है, दलित है, उसको हमें न्याय देने की जरूरत है, और उसकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व को हमें सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो मैं आप सभी से मैं आग्रह कर रही हूँ कि आप लोग नीचे कर लीजिए, पार्टी को आगे काम कर रही है, उसको नीचे कर लीजिए। मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ, कि अभी आपने देखा कि सरकार में कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, आप आराम से अपने स्थान पर बैठिए। अभी आपने देखा कि देश की संसद में हमने, हमारी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया, यह विधेयक 3 दशकों से लंबित था, इसमें 30 साल लग गए विधेयक को पारित होने में। आपने देखा कि इस संसद के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी दलों ने हमारे महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया। हमारी पार्टी ने उसका समर्थन भी किया, लेकिन हमने अपना पक्ष भी मजबूती से रखा कि देश की, हमारी संसद में और राज्यों के विधानसभाओं में हमारी बहनों की, हमारी महिलाओं की, देश की आदि आबादी की 33% भागीदारी हो, ये जरूरी है, न्याय संगत है। लेकिन इसके साथ साथ अपना दल यह भी जरूरी समझता है कि उस 33% के माध्यम से जो भी हमारे देश की महिलाएं हमारे राज्य की विधानसभाओं में, हमारे देश के संसद में पहुंच रही है, उसमें हमारी पिछड़े दलित आदिवासी कमजोर समाज की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। और ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं सब एक समान जीवन का स्तर नहीं रखती है, हमारे यहाँ महिलाओं में भी उनके शिक्षा के स्तर में अंतर है, हमारी महिलाओं में अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है, हमारी जो महिलाएं हैं उनमें अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति, अलग अलग सामाजिक तबके से आती है, और इसलिए हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब हमारी महिलाएं राज्यों की विधानसभाओं में पहुंचे, देश की पार्लियामेंट में पहुंचे, तो वो समग्र रूप से हमारे महिलाओं के बीच में
जो सामाजिक विविधता है उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित करें, यानी कि हमारे संसद में, हमारे राज्यों की विधानसभा में भी हर वर्ग की हमारी महिला का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज की महिला भी है, हमारे दलित बिरादरी की महिला भी हो, हमारे पिछड़े जातियों से आने वाली महिला भी हो, और हमारी सामान्य वर्ग से आने वाली महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो, इस बात को हमने संसद में बड़े स्पष्ट रूप से रखा है। और ऐसा कोई भी विषय नहीं है पिछड़ों के वंचितों के हक से जुड़ा हुआ जिसे कहने से अपना दल कभी भी पीछे हटा। साथियों, हम निरंतर देश की संसद में इस मांग को उठा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है, और इसलिए देश के अंदर कास्ट संसद बहुत जरूरी है, देश के अंदर जातीय जनगणना की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश का जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी के प्रमाणित आंकड़े क्या है, पिछड़ा वर्ग की सही आबादी क्या है, ये प्रमाणित आंकड़े हमारे देश की जनता के सामने आ सके। और जो हमारे पिछड़ा वर्ग की आबादी, हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है, तो इसलिए उनके मसले, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित है। इस बात को हम निरंतर कह रहे हैं, हमारी पार्टी निरंतर इस बात की वकालत करती है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग से गठित करने की अब जरूरत है। ये समय की मांग है, एक बहुत बड़ी आबादी की समस्याएं, मसले, उसका सही समाधान करने के लिए ये जरूरी है कि देश के अंदर ऐसा एक मंत्रालय गठित हो। इसके साथ ही साथियों, इसके साथ ही अपना दल निरंतर न्यायपालिकाओं में जो हमारे कमजोर तबके हैं उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व का विषय भी उठाता आया है, यानी हमारे देश की जो हाई कोर्ट है, हमारे देश की जो उच्च न्यायालय है, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें भी हमारी सामाजिक विविधता जो है वो नजर आनी चाहिए, यानी समाज को कमजोर से लेकर मजबूत से मजबूत तक हर किस्म का व्यक्ति हमारे न्यायपालिकाओं में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त करे। और विशेष तौर से जो हमारी हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें सोशल डाइवर्सिटी है, यानी समाज के हर वर्ग से आने वाले प्रतिभावान लोगों को न्यायाधीशों के पद पर बैठने का अवसर मिले, ये अपना दल की सोच है। और इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र के सभी सत्रों में हम समाज के हर वर्ग की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, यानी न्यायपालिका में भी, विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी, और हमारे मीडिया में भी, कि अपना दल की सोच है और इसी सोच को हम निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप सबका योगदान जब तक पूरी तरह नहीं मिलेगा तब तक ये सोच पूरी तरीके से कामयाब नहीं होगी। और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत है, और वह तभी संभव होगा जब हम सभी मिलकर अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः से अपील करती हूँ कि आप सब हमारी ताकत को बढ़ाइए, आप सब हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, और एक एक बूथ पर पार्टी की
हमारे पार्टी में शामिल होकर संगठन में सम्मिलित होकर संगठन को मजबूत बनाए ताकि आने वाले हर चुनाव में अपना दल के प्रत्याशी अपनी हर सीट पर अपने केसरिया नीले परचम की विजय पताका को फहराने का काम करें। इन शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सभी लोगों का मैं हृदय तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। आपसे यहाँ आकर हम सभी का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आप सबका बहुत बहुत